संस्कारों में है जो हमारे रोज के व्यवहार में है वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो संस्कृत दिवस रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है और अब के बाद जो प्रयास हुआ है कि अब हम संस्कृत सप्ताह मनाए, इनके एक दिन से रख करके एक सप्ताह तक मनाए। पुराण राजतंग जी की रचना उन्हीं से हुई है और वर्तमान में स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, ऐसे हिसाब से आने से प्रदेश के समझिए पाठ्यपुरा मिला, जैसे महाराष्ट्र में डिपार्टमेंट खुला, उनकी सीट बनाई, शिमला के अंदर त्रिपुरा मंत्री उन्होंने संस्कृत गुरुकुल एग्रीमेंट किया, उसी के चलते घर घर में संस्कृत गुरु आदमी के अंदर यहाँ इसका शुभारंभ हुआ है। और अजय जी का बड़ा सहयोग रही है, जहाँ जैस जी हैं, विक्की जी हैं, राजेंद्र जी हैं, नरेश जी हैं, पूरी टीम ने बड़ा ही भव्य कार्यक्रम कराया है। और मैं युवाओं से कहूँगा कि आने वाला युवा भी वाणी संस्कृत का है, अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएं, क्योंकि नासा के अंदर संस्कृत कॉलेजेस हैं, जर्मनी में संस्कृत यूनिवर्सिटी खुल गई है, आने वाला युवा संस्कृत का है, अपने बच्चों को संस्कृत अवश्य पढ़ाएं। थोड़े दिनों में हमारी ट्रस्ट की सरल संस्कृत बोर्ड नामक पुस्तक आने वाली है और मुफ्त में 10,000 पुस्तकें बांटी जाएंगी, तो आप घर बैठ कर संस्कृत सीख सकते हैं। गवर्नर साहब से आपकी बात हुई तो कभी स्कूलों में भी बहुत स्कूल ऐसे कि यहाँ पे संस्कृत का कोई चैप्टर ही ना कुछ अध्यापक है, तो बच्चे कैसे संस्कृत की हो जाएंगे? एल जी साहब से बहुत बार बैठती हुई हैं, उन्होंने उच्च अधिकारियों को आदेश भी दिए हैं, जल्द शुरू हो, सिलेबस तैयार हो गया है। और G20 के बाद अनुप कुमार जी ने हमारे डायरेक्टर साहब को कहा था कि शुरू करेंगे और मुझे लगता है जल्द ही शुरू हो जाएंगे। डायरेक्टर साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं मुस्लिम स्कूलों में, बाहर भी जो कि यहाँ पे बातचीत कर रहे थे कि एक घंटे की या आधे घंटे की क्लास होती है, तो क्या अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं? मैं उनको दोष नहीं दूंगा डायरेक्टर साहब को या किसी को, पहले तो हमारा दायित्व बनता है, मैं संस्कृत पढ़ा हुआ हूँ, मैं अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाऊँ, संस्कृत के विद्वान अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो कर्मकांड से जुड़े हैं, चाहे प्रोफेसर हैं चाहे टीचर हैं, वह भी अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएं, फिर हम दूसरों को उपदेश दे सकते हैं। मैं अपने बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाऊँ तो मैं कहूँ संस्कृत पढ़ाऊँ, वो नहीं चलेगा। सरकार तो लगा दी है कि जैसे माता वैष्णो में डिपार्टमेंट खुला पर वहाँ बच्चों की एडमिशन नहीं हुई, फिर अलजी साहब ने आग्रह करके शेयर मिशन गुरुकुल से हमने लिए और डिपार्टमेंट चला। पहले लोगों का दायित्व है जो संस्कृत पढ़े लोग अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएं, और बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो डायरेक्टर साहब या पूरे अलजी साहब की टीचर पक्का देंगे मुझे लगता है। लास्ट आपको क्वेश्चन था कि कहीं आपके साथ एक मेंबर जाते हैं, लोगों के साथ कैसा सहयोग मिल रहा है? बड़ा लोगों का प्यार मिल रहा है, अजय जी बड़े व्यस्त रहते हैं, इनके पास बात करने के लिए समय नहीं रहता, और आज जी देखिए सुबह से कल से संस्कृत के लिए लगे हुए हैं, प्रयास करने वाला चाहिए, समाज अपने आप जुड़ता है।